दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिससे बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ था कोर्स से रिलेटेड, और वो कोर्स था दोस्तों निबोश और दूसरा कोर्स था एडीएस, जिसमें वीडियो देखने के बाद आप लोग को बहुत बड़ा ही आसान हुआ था कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट एंड ऑल। तो फिर से इस बार वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस बार जो है वो है कोर्स है निबोश। बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि निबोश आईडी और निबोश आईजीसी के ऊपर एक वीडियो बनाए, कंपैरिजन कीजिए कौन सा बेस्ट रहेगा एंड ऑल। तो वीडियो में बने रहिए और खुद से आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि कौन सा आपके लिए है बेस्ट। चले शुरू करते हैं निबोश आईजीसी वर्सेस निबोश आईडी। जो है वो है एलिजिबिलिटी, ये कोर्स कौन कर सकता है। तो उसके लिए एलिजिबल ये है दोस्तों, आपको बस इंग्लिश स्पीक होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, चाहे आप आईजीसी करें चाहे आप आईडीप करें। सेकंड जो है दोस्तों वो है कोर्स पैटर्न। तो कोर्स पैटर्न कैसा है इसका, तो एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। निबोश आईजीसी में पहले तीन थे और निबोश आईडीप में दोस्तों तीन थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल असेसमेंट है। थर्ड पॉइंट जो दोस्तों फीस से रिलेटेड है, फीस आपका 40,000 के बीच में हो जाना चाहिए आपका निबोश आईजीसी। और निबोश आईडीप की बात करूँ तो दोस्तों 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में फीस हो सकती है, कम बेश भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो है वो जॉब से रिलेटेड है। अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट में सेफ्टी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो निबोश आईजीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना निबोश आईडीप की कोई रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए सोच रहे हो तो अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद अगर निबोश आईजीसी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, निबोश आईडीप है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है गल्फ जॉब के लिए दोस्तों। गल्फ जॉब के लिए कौन सा निबोश करना, बहुत सा कमेंट रिसीव किए कौन सा निबोश करना चाहिए एंड ऑल। तो दोस्तों अगर आप सेफ्टी ऑफिसर या उस लेवल के लिए आप जॉब ट्राई कर रहे हो तो निबोश आईजीसी आपके लिए अभी भी बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप हायर लेवल की बात करूँ जैसे सेफ्टी मैनेजर होगा या सेफ्टी इंजीनियर के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो निबोश आईडी आपके लिए बेटर रहेगा। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों वो है एडमिशन से रिलेटेड। तो निबोश आईजीसी आपका हर महीने किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है और निबोश आईडीप भी ऐसा ही है। एडमिशन तो आप ले सकते हो हर महीने, लेकिन एग्जाम का फंडा ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम आपका निबोश आईजीसी हर महीने किसी न किसी इंस्टीट्यूट में होता ही है, लेकिन निबोश आईडीप का एग्जाम जनवरी और जुलाई, मतलब कि साल में सिर्फ 2 ही बार एग्जाम होता है। तो जब 2 बार एग्जाम होता है तो कोर्स कब कंप्लीट होगा दोस्तों, तो इसीलिए निबोश आईजीसी अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए तो आपका 2 से 3 महीने में हो सकता है, पॉसिबल हो जाए। लेकिन निबोश आईडी में आपको 6 महीने से 1 साल टाइम लग सकता है दोस्तों। 10th पॉइंट है दोस्तों एग्जाम का ड्यूरेशन की बात करूं तो एग्जाम का ड्यूरेशन ये है निबोश आईजीसी आपसे 1 से 2 दिन में हो जाएगा और निबोश आईडी में आपको 3 से 4 दिन लग ही जाएगा दोस्तों। मोड ऑफ एग्जाम कैसा दोस्तों निबोश आईजीसी, आप सबको पता है कि आजकल घर पे ही एग्जाम होता है। निबोश आईजीसी का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको घर पे ही रिटर्न करना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, लेकिन निबोश आईडीप में आपको थ्योरी एग्जाम सेंटर पे ही जाके देना होगा। और रिजल्ट का चेक करने का फंडा तो आपको पता ही दोस्तों, निबोश ऑनलाइन एग्जाम शो नहीं, आई मीन ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन रिजल्ट शो नहीं करती है, उसके लिए वो खुद से ईमेल सेंड करती है कैंडिडेट को या कोर्स प्रोवाइडर आपको सेंड करेगा। तो निबोश आईजीसी भी वही हाल है और निबोश आईडीप में भी वही फंडा है रिजल्ट का। 13 जो पॉइंट है दोस्तों वो लेवल की बात करूं तो मैं एज पर एनवीक्यू ऑफ लेवल के हिसाब से निबोश आईजीसी है वो लेवल 3 है और निबोश आईडीप जो है दोस्तों वो लेवल 6 है। तो लेवल 3 या लेवल 6 से क्या फायदा होगा दोस्तों, अगर आप आयुष मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो निबोश आईजीसी के बेस पे आपको टेक आयुष मिलेगा, और अगर आप निबोश आईडीप के बेस पे लेना चाहते हैं तो आप ग्रेड आयुष मेंबरशिप की आप इलिजिबल हो। 15 पॉइंट जो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।